आज हम लौकी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक छोटा सा लौकी को छिलका उतार कर उसको छोटे छोटे अपने मनचाहे आकार में काट लीजिए। फिर धोकर अलग से रख लीजिए। उसके लिए बघार के लिए अब हम 2 चम्मच, छोटे चम्मच में उड़द की दाल अलग से रखिए। आधे चम्मच से भी कम, छोटे चम्मच में आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर को रखिए। हल्दी पाउडर अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए तो डालिए, नहीं तो नहीं। और 2 छोटे चम्मच में चने की दाल को अलग से रखिए। 4-5 हरा मिर्ची काट कर अलग से रखिए। अगर मिर्ची की मात्रा आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरे मिर्ची की जगह आप लाल मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आधा चम्मच छोटे चम्मच में राई को अलग से रख लीजिए। और 3 छोटे चम्मच में थोड़ा सा तेल को अलग से रखिए। नमक को इच्छा के अनुसार डालते हैं। और नारियल, छोटे से नारियल को पीस के, एक आधा कटोरी नारियल को अलग से पीस के रख लीजिए। ये नारियल भी अपनी इच्छा के अनुसार है, आपको इच्छा रहा तो आप डालिए, नहीं तो नहीं। और इधर आके मूंग की दाल आके कम से कम 3 बड़े चम्मच में अलग से रख लीजिए। ये पीले रंग का मूंग है, ये मूंग की दाल। कढ़ाई को गरम करिए। गरम करने के बाद 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच में तेल डालिए। आँच को तेज करिए। राई डालिए। चने की दाल डालिए। उड़द की दाल को डालिए। ये हल्का सा भूरा रंग आने तक को थोड़ा सा चलाते रहिए। ये भूरा रंग आ गया, अब हरा मिर्ची डालिए। आंच को धीमा करिए। अब हल्दी पाउडर डालिए। हल्दी पाउडर अपनी इच्छा के अनुसार डालिए। अब धुले हुए कटे हुए लौकी को डालिए। नमक डालिए, स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अच्छे से मिलाइए। अब मूंग की दाल जो हम रखते हैं उसको अलग से धो लीजिए। मूंग की दाल को भी डालिए। सभी सब्जी को अच्छे से मिलाइए। आंच को तेज करिए। अच्छे से मिला लीजिए और आधा गिलास पानी को डालिए और धीमे आंच में पकने के लिए छोड़ दीजिए। और इसको 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिए। अगर लौकी पर आधारित होता है, लौकी थोड़ा गट रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर मुलायम रहा तो 10 से 15 मिनट में ये पक जाता है। धीमे आंच में छोड़ दीजिए।
ढक दीजिए। हाँ, ये पानी सब पूरा सोख लिया है सब्जी में। अब हम अंत में नारियल का बुरादा डालते हैं। इच्छा रहा तो डालिए, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है। अब इसको मिला दीजिए अच्छे से, पिसा हुआ नारियल को डालिए। अब गैस को बंद कर दीजिए और ये पकने के बाद ऐसे दिखाई देती है, और इसे आप गरम गरम चावल में किसी के भी साथ खा सकते हैं, घी डाल के खा सकते हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट होता है और सिंपल है, मसाला भी नहीं है और हेल्थ के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।